क्वालिटी की बात करें तो हर प्रोडक्ट गुणयुक्त, कार्यक्षम, टिकाऊ और मेंटेनेंस फ्री होनी चाहिए। फाल्कन हमेशा ही अपनी ओर से श्रेष्ठतम प्रदान करने में ही विश्वास रखती है और इसीलिए ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन, उत्कृष्ट रॉ मटेरियल, यूनिफॉर्म प्रोसेस और क्वालिटी टेस्टिंग को एक सफल उत्पादन का आधार मानती है और डिजाइन को लेकर चौकसी की हद को छूती है। दोस्तों, डिजाइन चाहे कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन डिजाइन के मुताबिक आउटपुट और रिजल्ट पाने के लिए आवश्यक होता है उसका अमलीकरण और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को लेकर फाल्कन कभी भी कोई समझौता नहीं करती। फाल्कन यह अच्छी तरह से जानती है कि C6 कोटिंग वाले शीट्स में से बनाए गए CRNGO M45 ग्रेड स्टैंपिंग के उपयोग से मोटर की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कार्यक्षमता सालों साल बरकरार रहती है। फाल्कन यह भी जानती है कि EC ग्रेड कॉपर स्ट्रिप, वाइंडिंग वायर और फ्लैट केबल का उपयोग भी मोटर की कार्यक्षमता सालों साल बरकरार रखने में महत्वपूर्ण है और इसीलिए फाल्कन EC ग्रेड कॉपर मटेरियल विश्व प्रसिद्ध कंपनियों से ही खरीदती है। सबमर्सिबल मोटर में इस्तेमाल किए जाते थ्रस्ट बेयरिंग जर्मन मेड कार्बन पैड में से बनाए जाते हैं। यह बेयरिंग्स 2000 फुट हेड पर भी मोटर को अविरत चलाते हैं। मोटर और पंप की आउटर बॉडी के लिए SS204CU ग्रेड के हैवी थिकनेस वाले स्टेनलेस स्टील पाइप का इस्तेमाल होता है। इससे फायदा यह होता है कि पंप और मोटर सालों साल पानी में रहने पर भी उन्हें जंग नहीं लगता और क्षतिग्रस्त भी नहीं होते। डोमेस्टिक सीरीज के पंप बाउल इंजीनियरिंग ग्लास फिल्ड प्लास्टिक ग्रेन्यूल में से बनाए जाते हैं। लंबे समय तक समान परिणाम पाने के लिए स्टेनलेस स्टील की नेक रिंग से सुरक्षित किया जाता है। आज के जमाने में हर इंसान के लिए क्वालिटी बड़ी ही अहम होती है और क्वालिटी से जुड़ा होता है लोगों द्वारा खर्च किए गए पैसों का मूल्य और लोगों का विश्वास। और फाल्कन अपने ग्राहकों के पैसों का मूल्य और उनके विश्वास की अहमियत को बखूबी जानता है, क्योंकि फाल्कन का तो सूत्र ही है अ मशीन फॉर मैनकाइंड। क्वालिटी कंट्रोल के लिए फाल्कन कंपनी में अपनी खुद की अलाइदा व्यवस्था है, जहां पर कंपनी की क्वालिफाइड इंजीनियर्स अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से हर प्रकार के रॉ मटेरियल की जांच करते हैं। कॉपर, स्टेनलेस स्टील, गन मेटल और कास्ट आयरन जैसे रॉ मटेरियल की जांच स्पेक्ट्रोमीटर से की जाती है। मटेरियल की हार्डनेस और रफनेस चेक करने के लिए हार्डनेस टेस्टर और रफनेस टेस्टर का उपयोग होता है। डिजाइन और साइज की चौकसी को लेकर मटेरियल का इंस्पेक्शन डिजिटल वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, डायल कंपैरेटर और रोटर रनआउट जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग से होता है। इन उपकरणों के उपयोग से बाउल, बुश, बेयरिंग्स, स्लीव और रोटर की जांच की जाती है। स्टैंडर्ड ग्रेड और स्टैंडर्ड साइज को लेकर मटेरियल की जांच के बाद उसे इंस्पेक्शन ओके का टैग लगाकर इस्तेमाल के लिए आगे भेजा जाता है। डिजाइन के अनुरूप क्वालिटी का मटेरियल मिलने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ती है। ये प्रोसेस हाईटेक मशीनरी और प्रशिक्षित मैन पावर द्वारा फाल्कन के क्वालिफाइड इंजीनियर्स के निर्देशन और निगरानी में होती है। आइए देखते हैं मोटर आर्मेचर यानी मोटर रोटर प्रोसेस। मोटर रोटर बनाने के लिए जरूरी होती है शाफ्ट और शाफ्ट के लिए जरूरी नियत लंबाई के टुकड़े राउंड बार में से ऑटोमेटिक बैंडसॉ मशीन द्वारा काटे जाते हैं। हाई एक्यूरेसी के लिए शाफ्ट का मशीनिंग CNC मशीन द्वारा किया जाता है। शाफ्ट को 100% जांच के बाद रोटर स्टैंपिंग पीलिंग असेंबली डिपार्टमेंट में भेजा जाता है,
जहां हाई प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेस पर नियत मात्रा का दबाव डाला जाता है। फिर होती है कॉपर स्ट्रिप फीलिंग की प्रोसेस। उसके बाद कॉपर लेमिनेशन और उसके बाद आधुनिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मशीन द्वारा की जाती है रोटर ब्रेजिंग की प्रोसेस। इस इंडक्शन प्रोसेस से जीरो फॉल्ट का दावा कर सकते हैं। इसके बाद रोटर के ब्रेजिंग किए गए छोर पर मशीनिंग करके सुनिश्चित किया जाता है कि ब्रेजिंग 100% हुई है या नहीं। 100% ब्रेजिंग से रोटर में कभी फॉल्ट नहीं होता। इस प्रक्रिया के बाद सीएनसी मशीन पर रोटर का मशीनिंग किया जाता है और कंप्यूटराइज मिलिंग मशीन द्वारा कीवे बनाया जाता है। रोटर के स्टैम्पिंग एरिया को जंग से बचाने के लिए उस पर सीईडी यानी कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं सीईडी कोटिंग प्रोसेस। कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन जो मेटल कंपोनेंट्स के कोटिंग के लिए सबसे अधिक विकसित एवं पर्यावरण के अनुकूल पानी आधारित पद्धति है। डीप एवं स्प्रे के मिश्रण से आंतरिक भाग में एवं हर एक जगह पर पेंट पहुंचेगा ऐसा सुनिश्चित करता है। सीईडी रासायनिक रूप से प्रतिरोधी है, यांत्रिक रूप से टिकाऊ एवं दिखने में अच्छा और सॉल्ट स्प्रे में भी खरा उतरता है। इस वजह से उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। सीईडी कोटिंग के फायदे। एक समान कोटिंग की परत, श्रेष्ठ चमक, जंग निवारक, जटिल उत्पादन को आंतरिक और बाहरी भाग में भी आसानी से कोटेड कर सकते हैं। सीईडी कोटिंग हर कास्टिंग पार्ट्स, रोटर एवं मेटल पार्ट्स पे किया जाता है। सीईडी प्रोसेस ऑटोमेटिक स्काडा बेस प्रोसेस है, जिसमें पार्ट्स को अलग अलग 14 टैंक्स में डुबोया जाता है, जिसमें दो कोटिंग मुख्य है, जिंक फॉस्फेट और कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन। आखिर में इन पार्ट्स को अवन में 45 मिनट के लिए बेकिंग किया जाता है। उसके बाद सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन द्वारा ग्राइंडिंग किया जाता है। हाईटेक मशीन द्वारा रोटर के बुशिंग साइड में बर्निशिंग प्रोसेस की जाती है, जिससे रोटर की हार्डनेस बढ़ती है और बुश फेलियर की संभावना ना के बराबर रह जाती है। कंप्यूटराइज्ड डायनेमिक बैलेंसिंग मशीन द्वारा बैलेंसिंग की जांच होती है। मोटर रोटर प्रोसेस के बाद आइए अब देखते हैं मोटर बॉडी प्रोसेस। यहाँ पर स्टेटर स्टैम्पिंग यानी स्टेटर स्टैक को मोटर बॉडी में यानी स्टेनलेस स्टील पाइप में प्रेस करके उसका मशीनिंग किया जाता है और आधुनिक उपकरणों से उसकी जांच की जाती है। उसके बाद मोटर बॉडी स्टेटर स्लॉट को क्लियर करके स्लॉट में विद्युत आवाहक पेपर रख कर स्टैंडर्ड डेटा की कॉपी
लेखन एग्रीकल्चर सीरीज में 6 इंच बोरवेल पंप में प्रति स्टेज 50 फीट हेड वाले पंप के जन्मदाता है। 6 इंच बोरवेल पंप के इंपेलर और बाउल SS304 नॉन मैग्नेट ग्रेड मटेरियल से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की इस प्रोसेस में 3 प्रमुख स्टेज होते हैं। नंबर 1 वैक्सिंग, नंबर 2 कोटिंग और नंबर 3 पोरिंग। SS304 ग्रेड के इंपेलर और बाउल का मशीनिंग CNC मशीन से किया जाता है। हमेशा एक समान बेहतरीन परिणाम के लिए सक्शन की दोनों ओर जरूरी मशीनिंग किया जाता है। हर एक बाउल सेट की अच्छी तरह से जांच होती है। हर इंपेलर को बैलेंस करने के बाद ही उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद स्टेज असेंबली को SS304 ग्रेड की पट्टी से सुरक्षित किया जाता है और अंत में पंप का प्री रिवॉल्यूशन और वर्टिकल प्लेट चेक किया जाता है। इस तरह तैयार हुए पंप की कार्यक्षमता अत्याधुनिक सॉफ्ट मदद से कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग पैनल द्वारा जांची और परखी जाती है। टेस्टिंग के बाद क्लीनिंग और फिनिशिंग जैसी प्रोसेस होती है। फिर पैकिंग के दौरान प्रोडक्ट से जुड़ी सूचना एवं उपयोग की भी दर्शाती गाइड बुक हर प्रोडक्ट के साथ पैक की जाती है। अच्छी तरह से पैक हो जाने पर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना किया जाता है।